हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम। अब हमारा अगला टॉपिक है स्ट्रगल ऑफ वुमन फॉर देयर राइट्स। अब ये बहुत इंटरेस्टिंग सी स्टोरी है कि किस तरीके से औरतों ने स्ट्रगल किया अपने अधिकारों के लिए, अपने राइट्स के लिए, और उन्हें किन हालात में उनके राइट्स दिए गए। इन अर्लियर टाइम्स वुमन वर नॉट कंसिडर्ड टू बी एफिशिएंट इनफ टू डू मेंस वर्क, कि औरतों को पहले इस लायक नहीं समझा जाता था कि वो आदमियों के काम कर सकें। सो दे वर नॉट गिवन एजुकेशन, प्रॉपर्टी, राइट्स एंड एनी पार्टिसिपेशन इन द डिसीजन मेकिंग प्रोसेस ऑफ द कंट्री। इतिहास में एक ऐसा टाइम था जब औरतों को इस लायक नहीं समझा जाता था कि वो आदमियों के काम कर सकें। अब ये टाइम बहुत ज़्यादा पहले नहीं था, मुश्किल से 150 साल पहले ये वक्त था। तो अब औरतों को इस लायक नहीं समझा जाता था, तो इस वजह से ना उनको एजुकेशन दी जाती थी, ना उनको प्रॉपर्टी में हिस्सा दिया जाता था, ना उन्हें राइट्स दिए जाते थे, और ना ही वो इलेक्शंस में खड़ी हो सकती थी, ना ही इलेक्शंस में वोट डाल सकती थी। तो औरतों को किसी भी तरीके का कोई भी ऐसा पार्टिसिपेशन नहीं दिया जाता था समाज में। औरतें जब डिमांड करती थी तो ऑब्वियसली औरतों को कोई सीरियसली नहीं लेता था। अब इसी बीच एक बड़ी खास सी चीज़ हुई। व्हेन वर्ल्ड वॉर वन ब्रोक आउट इन 1914 में वर्ल्ड वॉर वन स्टार्ट हुई, मैनी मैन वेंट अवे फॉर फाइटिंग, मैनी मैन डाइड एंड द लार्ज नंबर ऑफ देम वर हैंडीकैप्ड। आज से करीब 100 साल पहले 1914 में स्टार्ट हुई फर्स्ट वर्ल्ड वॉर, और दुनिया के जितने ज़्यादातर बड़े देश हैं सब लोग इस वर्ल्ड वॉर में शामिल हुए। सब लोगों ने अपनी आर्मीज भेजी एक दूसरे से लड़ने के लिए, और इस पूरे प्रोसेस में ये वर्ल्ड वॉर चली 4 से 5 साल, और 4 से 5 सालों में लाखों आदमियों ने अपनी ज़िंदगी गंवाई, और जो लोग जिंदा बचे रह गए वो लाखों लोग हैंडीकैप्ड हो गए। और वर्ल्ड वॉर वन का सबसे बुरा असर पड़ा था यूरोपियन कंट्रीज़ पे। वहाँ पे अब इतने सारे लोग, और ख़ासतौर पे जितने आदमी हैं वो या तो फिर मर चुके हैं, और जो बचे हैं वो हैंडीकैप्ड हैं। तो हेल्दी आदमी बहुत कम बचे रहते हैं। अब क्योंकि काम तो रुकेगा नहीं, और वही टाइम था जब इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन भी चल रहा था, तो इस वजह से वो सारे काम जो कि आदमियों के काम थे वो काम दिए गए औरतों को। वुमन वर एबल टू डू ऑल द वर्क्स क्वाइट वेल, मैनी वुमन बिगैन ऑर्गेनाइजिंग एंड मैनेजिंग डिफरेंट काइंड्स ऑफ वर्क। व्हेन पीपल सॉ दिस दे बिगैन टू वंडर व्हाई दे हैड क्रिएटेड सो मैनी अनफेयर स्टीरियोटाइप्स अबाउट वुमन, अबाउट व्हाट दे वर केपेबल ऑफ डूइंग। तो जब आदमियों के काम औरतों को दिए गए तो औरतों ने वो सारे काम बहुत अच्छे से करना शुरू कर दिया। वो औरतें बहुत आराम से वो सारे काम कर रही थीं, तमाम चीज़ों को मैनेज कर रही थीं, और ये सब चीज़ें देखकर जो आदमी थे वो आदमी लोग हैरान थे कि औरतें इतने अच्छे से काम कर सकती हैं, चीज़ों को मैनेज कर सकती हैं। और उन आदमियों ने खामखा इतने सारे स्टीरियोटाइप्स बना लिए थे कि औरतें ऐसी होती हैं, औरतें ये काम नहीं कर सकती, औरतें ये काम नहीं कर सकती, जबकि वो औरतें सब काम कर सकती थीं। तो आदमी जो लोग थे वो ये सब देख के बहुत ज़्यादा सरप्राइज्ड थे कि औरतें हर तरीके के काम कर सकती हैं, वो सारे काम कर सकती हैं जो कि आदमी करते। सो वुमन बिगान टू बी सीन एज द इक्वली केपेबल ऑफ मेकिंग डिसीजंस। अब यहाँ से औरतों को एक इक्वालिटी का दर्जा दिया जाने लगा कि औरतें भी वो सारे काम कर सकती हैं जो कि आदमी करते हैं। ड्यूरिंग दिस टाइम वुमन्स स्ट्रगल टू गेट राइट टू वोट गॉट स्ट्रेंथन्ड। दिस मूवमेंट इज कॉल्ड वुमन्स सफरेज मूवमेंट। अब जो औरतों का जो स्ट्रगल था वोट देने का जो अधिकार है उसके लिए, उस स्ट्रगल को कहते हैं वुमन्स सफरेज मूवमेंट। अब इस बीच जब औरतों को ये महसूस होने लगा कि हम वो सारे काम कर सकते हैं जो आदमी करते हैं, तो हम भी बराबर हैं आदमियों के, तो ये जो मूवमेंट था कि अब औरतों ने डिमांड करना शुरू किया कि हमें भी वोट देने का अधिकार मिले, ये मूवमेंट स्ट्रॉन्ग होने लगा, और इसे कहा गया वुमन सफरेज मूवमेंट। नोवेयर इन द वर्ल्ड हैव गवर्नमेंट्स विलिंगली शेयर्ड पावर, मैनी सफरेजिट्स और रेवोल्यूशनरीज। अब सफरेजिट्स, ये जो वर्ड यूज़ किया गया है इसका मतलब होता है रेवोल्यूशनरीज, यानी कि ऐसे लोग जो क्रांतिकारी विचार रखते हैं, कुछ दुनिया में बदलाव करना चाहते हैं,
तो उन्हें कहा जाता है रेवोल्यूशनरीज, कि वो एक रेवोल्यूशन लाना चाह रहे हैं, एक बहुत बड़ा बदलाव, बहुत बड़ा फेरबदल लाना चाह रहे हैं। तो मैनी सफ्रेजिट्स वर इम्प्रिजेंड एंड वेंट ऑन हंगर स्ट्राइक। इम्प्रिजेंड का मतलब होता है जेलों में डालना, और हंगर स्ट्राइक का मतलब होता है भूख हड़ताल। तो अब औरतों ने वुमन सफ्रेज मूवमेंट स्टार्ट किया, जिसमें उन्होंने मांग करी कि उन्हें वोट देने का अधिकार मिले। अब दुनिया भर की जितनी भी सरकारें हैं, सरकारें कभी भी अपने खुशी से ये ताकत लोगों को नहीं देती हैं। तो इस वजह से सरकारों ने क्या किया, उन औरतों के मूवमेंट्स को दबाने की कोशिश करी। बहुत सारे ऐसे रेवोल्यूशनरीज थे जिनको जेलों में डाला गया, बहुत सारी औरतों को पीटा गया, लेकिन फिर भी ये मूवमेंट को सरकारें दबा नहीं पा रही थी। अमेरिकन वुमन गॉट द राइट टू वोट इन 1920। तो 1920 में अमेरिकन वुमेन को वोट देने का अधिकार मिला, जबकि यूके यानी कि यूनाइटेड किंगडम की औरतों को राइट टू वोट यानी वोट देने का अधिकार मिला 1928 में। तो अब जब सरकारें ये मूवमेंट सप्रेस नहीं कर पा रही थी, तो फाइनली उन्होंने औरतों को ये अधिकार दिया कि आप वोट दे सकते हो और आप चुनाव में खड़े भी हो सकते हो। अमेरिका में औरतों को इलेक्शंस में पार्टिसिपेट करने का जो राइट है, ये मिला 1920 में, और ये जो राइट टू वोट है, ये यूरोप की औरतों को मिला 1928 में। तो इस तरीके से फिर औरतों को राइट्स मिले। और अगर हमारे देश की बात करी जाए, तो हमारा देश जब आज़ाद हुआ था, वहीं से हमारे देश की औरतों को सारे राइट्स दिए गए थे हमारे देश के कॉन्स्टिट्यूशन की तरफ से। तो ये था क्लास सिक्स सोशल एंड पॉलिटिकल लाइफ का थर्ड चैप्टर, व्हाट इज़ गवर्नमेंट। चलिए फिर, थैंक यू।